हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है इस लव टॉक में। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में। देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सर, 8 साल का रिलेशन है, मेरा बॉयफ्रेंड ने बहुत इग्नोर करता है। मैं देखने के लिए FB में एक लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, मेरे फ्रेंड को पासवर्ड पता है, फिर वो मुझे इस कारण ब्लॉक कर देता है। मैं बहुत सॉरी भी बोली, फिर उसका दोस्त ने भी बोला, फिर अनब्लॉक करा, फिर से अच्छे से बात नहीं करता है। मैंने बोला कि तुम ज़बरदस्ती इस रिलेशन को रख रहे हो, तो उसने बोला कि इसके बाद जो भी होगा ज़बरदस्ती होगा। मैंने बोला तुम मुझे नहीं चाहते, तो उसने बोला कि नहीं, मैं 8 साल से हमारे रिलेशन को बचाने के लिए क्या नहीं की। फिर सर वो क्यों ऐसा कर रहा है? देखिए, सीधी सी बात है कि यहाँ पर उस पर्सन ने आपको कहा है कि, जैसे कि आपने कहा कि 8 साल का रिलेशन है, वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, तो मनाने के लिए आप ऐसा कह रहे हो कि भाई तू प्यार नहीं करता। देखो, इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाया है। अगर आपने मेरी चैनल पर चीज़ें देखी होती, अगर ध्यान से मेरी चैनल की वीडियोज़ है, बहुत ज़्यादा आपसे रिलेट कर पाएगी इस प्रॉब्लम से। ऐसे प्रॉब्लम में ना आपको उस पर्सन के ऊपर काम करना नहीं होता, आप अभी भी उनको मनाने में, समझाने में कि 8 साल से मैंने क्या क्या नहीं किया, जो किया वो सब कुछ गलत किया 8 साल में, जितना भी आपने किया ना, क्योंकि अभी भी आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इट मीन्स कि आगे भी आपने गलत ही किया होगा। तो यहाँ पर काम करना होता है खुद पे, समझ रहे हो? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नॉन इंटरेस्टेड बना रही, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पार्टनर को आपसे इरिटेट कर रही है। एंड चीज़ ये है यार, आपको यहाँ पर समझना होगा, एक चीज़ होती है कि एक टाइम पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है? एंड वहाँ पर सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होती है खुद में बदलाव, खुद को ज़्यादा बेहतर बनाना। एंड आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी, ठीक है? मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी जो ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप है, वो ईबुक डाउनलोड करके पढ़िए, या आप जस्ट मेरे वीडियोस में देखिए और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए कि आपको उस पर्सन पे नहीं, अपने पे काम करना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर कोई हमारा प्रपोजल ठुकरा देता है, हमसे बात ही नहीं करे और कहे कि मुझे तेरे साथ कुछ नहीं रखना है, तो क्या करे? हर जगह से ब्लॉक कर दे तो कैसे मनाए फिर? सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पर ये लिखा है कि कैसे मनाए। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप किसी को प्रपोज करोगे ना, तो पहली बार में आपको ब्लॉक नहीं करेगा। आपने प्रपोज किया, वो पर्सन ने मना किया, फिर आप पीछे पड़े, आपने इरिटेट किया, फिर वो पर्सन कहता है कि मेरे से तेरे साथ कुछ लेना देना ही नहीं, तू जा यहाँ से, समझ लो। और आप अभी भी कह रहे हो कैसे मनाए, मनाने से चीज़ें ही नहीं बनती हैं। देखो यार, तुम पहले ना अपने आप को उनके सामने से प्रेजेंट करना सीखो, समझ। अभी तो तुमने सारे रास्ते ही बंद कर दिए, क्योंकि हमें उस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को रखना तो पड़ेगा ना उनके सामने, तुमने तो रास्ते ही बंद कर दिए। तो यार तुम थोड़ा इस चीज़ के ऊपर अभी तो टाइम दो, क्योंकि अभी तो तुमने कोई वे ओपन रखा ही नहीं है। और सोचो कि यार मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, मनाने वाली बात नहीं है, मनाने से कुछ चीज़ें नहीं होगा। एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ें तुम्हें सीखनी होगी कि मैं अपने आप को जस्ट एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह उनके सामने कैसे प्रेजेंट करूँ, ठीक है? मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इस चीज़ में आपको अपने आप को कैसे बेहतर दिखाना है, कैसे अपनी आइडेंटिटी बनानी, ये सीखना है। मनाना नहीं है कि किसी ने एक बार ना बोला है, प्रपोजल रिक्वेस्ट किया तो मैं ज़ोर से कहूँगा कि प्लीज़ मान जा, ऐसी चीज़ नहीं होगी। वो मानेंगे तब जब वो खुद आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, समझ रहे हो? तब आपको ये प्रपोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती, इंसान खुद ब खुद आता है। तीसरा क्वेश्चन है कि सर, मेरी भी प्रॉब्लम है, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड इग्नोर कर रहा है, मुझसे बात भी नहीं करता है, और जब मैं बात नहीं करती तो मुझे गुस्सा भी होता है, मुझे लगता है कि वो मुझे धोखा दे रहा है, कैसे जानूँ वो धोखा दे रहा है कि नहीं, बहुत परेशान चुका हूँ, पता नहीं चल रहा है क्या कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, देखिए, कोई भी इंसान आपको धोखा दे रहा है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है तो डेफिनेटली कुछ होगा, क्योंकि अदरवाइज ऐसे आपको वहम तो नहीं होगा। दूसरी चीज़, वो पर्सन आपको इग्नोर भी करता है। देखिए, अब वो आपसे इस चीज़ के लिए लड़े झगड़े कि क्यों, मतलब तुम सामने से नहीं करते, तो उनकी बात को ना सीरियस लेना बंद कर दो, समझ रहे? उनकी इन चीज़ों को, अगर वो आपको ऐसा लगता है कि वो चीट कर रहा है, तुम अपनी लाइफ में उनको कुछ कहे बिना ही अपनी लाइफ में मशगूल हो जाओ। क्योंकि जब उनको ऐसा लग रहा है ना कि भाई इसको तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है, अपनी लाइफ में मशगूल है, तो अगर वो चीट कर रहा है, वो धोखा दे रहा है या इग्नोर कर रहा है, तब उनका अटेंशन जाएगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि वो और जगह पर ध्यान इसलिए दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है कि यहाँ पर तो कुछ मुझे एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं दबाऊँगा, धमकी दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो सामने वाला एकदम कांपने लगेगा, डरने लगेगा। तो डरना बंद कर दो और अपनी लाइफ में उनके बिना भी खुश रहना सीखो।
पांचवा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है और इसमें ही सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सर मेरा 3 महीने का रिलेशन था, सर मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ, लड़की के घर वालों को पता चल गया है, सर प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी तीसरी चीज़ के कारण आपका ब्रेकअप हो जाता है, इन करंट टाइम में आप कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं होता, जस्ट वेट करो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे रीज़न है कि अभी वो कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, एंड शायद वो कर भी नहीं पाते इस टाइम पे, तो जस्ट वेट करो। अगर आपको लगता है कि कुछ टाइम अच्छा खासा हो गया है, 10 दिन 20 दिन 15 दिन 1 महीना, तो जस्ट अब ये ट्राई करो कि वो पर्सन आपको नोटिस करे, आपका नाम सुने, आपको कहीं भी देखे या आपका फोटो भी देखे, जस्ट इतना करो ज़्यादा से ज़्यादा। पर मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, उनके घर पर पहुँच जाते हैं, कॉन्टेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश करना सबसे बड़ी गलती होती है, एंड ये बहुत सारे लोग इस मामले में गलती करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है, एक वीक पॉइंट ये है कि 3 महीने का भी रिलेशन था, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी कम होती है कि वो आपको मिस करे, इस टाइम पे रह ना पाए। हाँ, धीरे धीरे वो करेंगे, पॉसिबिलिटी तो 100% होती है, पर उतना नहीं। अगर 6 महीने 1 साल का होगा तो चांसेस आपके डबल होते हैं, मतलब 99% आपको जस्ट वेट करना होता, कुछ और करना नहीं होता। थैंक यू सो मच, तो फिर से मिलेंगे एक नए लव टॉक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।